शुभ दोपहर प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने अनारिकाया जिज्ञासा पाठ पढ़ा, आज हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है लालन गीतम। ये एक, जैसे आप भी छोटे थे तब आपकी मम्मी ने जैसे आपको लोरी वगैरह सुनाई होंगी, ठीक है, उसी तरह ये संस्कृत में है, ठीक है। लालन गीतम इस पाठ में श्लोक हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है इस पाठ में, ठीक है। श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे हम आज इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पहले जो श्लोक है वो है, उदिते सूर्ये धरणे विहस्ति पक्षी कूजति कमलम विक्षति। उदिते क्या होता है? उदय होने पर सूर्य, सूर्य धरणी होती है, पृथ्वी विहस्ति हस्ती है, पक्षी कूजति कमलम विक्षति, विक्षति होता है खिलना, ठीक है। तो सबसे पहला जो श्लोक है उसका अर्थ है कि जब सुबह 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 होती है तो जो प्राकृतिक सौंदर्य है सुबह का, उसके बारे में बताया गया है कि उदिते सूर्य धृणी विहस्ति पक्षी कुजति कमलम विक्षति। प्रातः सूर्य निकलता है, उदिते उदय होता है या निकलता है, धृणी विहस्ति पूरी पृथ्वी हस्ती है और पूरी पृथ्वी पर उसका जो प्रकाश है वो फैलता है, किसका? सूर्य का, ठीक है। फिर है पक्षी कूजति कमलम विक्षति, और जो पक्षी है, पक्षी गण है, वो कूजन करते हैं, कमलम विक्षति और कमल खिलते हैं। सुबह क्या होता है? जब प्रातः होती है, सूर्य निकलता है और पूरी पृथ्वी पर उसका प्रकाश फैल जाता है। पक्षी कूजति कमलम विक्षति, और पक्षी गण है वो चहचहाते हैं और कमल खिल जाते हैं। फिर है सेकंड श्लोक है, नदती मंदिरे उच्चैर ढक्का सरिते सलीले सेलती नौका। नदती मंदिरे, मंदिर में नदती क्या होता है? बजना, बजता है। उच्चैर जोर से, ढक्का क्या होता है? नगाड़ा। सरिते, सरिते क्या होता है? नदी के। सलीले जल में, सेलती नौका, सेलती नौका, नौका तैरती है, ठीक है। जो सुबह सुबह होती है उसके बारे में ही बताया गया है कि मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है और नदी के जल में नौका तैरती है, ठीक है। नदती मंदिरे उच्चैर ढक्का सरिते सलीले सेलती नौका। जो मंदिर है उसमें नगाड़ा बजता है और नदी के जल में नौका तैरती है। उसके बाद है, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। पुष्पे पुष्पे अर्थात प्रत्येक फूल में, ठीक है। पुष्पे पुष्पे का अर्थ क्या होगा? प्रत्येक फूल में नाना रंगा, नाना रंगा क्या होता है? नाना होता है अनेक प्रकार के, रंगा रंगों के या विविध रंगों के। तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, तेषु
उनके डयंते उड़ते हैं चित्र पतंगा तितलिया, किनके ऊपर, जो फूल है उनके ऊपर, ठीक है। तो इसका जो सरलार्थ होगा वो क्या होगा कि प्रत्येक फूल में भिन्न भिन्न रंग है और उन पर तितलिया मंडराती है, ठीक है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, प्रत्येक फूल में भिन्न भिन्न नाना रंगा, अनेक रंग है, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, और उन पर तितलिया मंडराती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर वर्णैर विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे अर्थात प्रत्येक वृक्ष, ठीक है, वृक्षे वृक्षे प्रत्येक वृक्ष नूतन पत्रम, नूतन होता है नया, पत्रम पत्ता या पत्ते, विविध विविधै अनेक प्रकार के वर्णै रंग, ठीक है, वर्णन क्या तो है रंगों के द्वारा, विभाति चित्रम, विभाति सुशोभित होता है, विभाति क्या होता है सुशोभित होता है अर्थात सुंदर लगता है, सुशोभित होता है चित्रम दृश्य, ठीक है। प्रत्येक पेड़ पर नए पत्ते हैं, नूतन पत्रम नए पत्ते हैं, विविध सॉरी अनेक प्रकार के वर्णई रंगों से विभाति सुशोभित है चित्रम दृश्य। दोबारा से देखो कि प्रत्येक पेड़ पर नए पत्ते हैं और विभिन्न रंगों के दृश्य सुशोभित लगते हैं, दृश्य सुशोभित होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वृक्ष है उसके ऊपर नए नए पत्ते हैं और अनेक रंगों से वो सुंदर लग रहे हैं, वो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके बाद है धेनु, गाय के बारे में बताया गया है, धेनु क्या होती है गाय। प्रातर यच्छति, प्रातः प्लस यच्छति, प्रातः क्या होता है सुबह और यच्छति क्या होता है देती है दुग्धम दूध। गाय है वो सुबह दूध देती है, कैसा दूध है शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम स्वच्छ, मधुरम मीठा, सनिग्धम सनिग्धम क्या होता है मुलायम, ठीक है, मुलायम या फिर आप इसका मीनिंग ले सकते हैं चिकना, ठीक है। जो गाय है वो सुबह दूध देती है, कैसा दूध देती है शुद्ध स्वच्छ मधुर और मुलायम। फिर है गहने विपिने व्याघ्रो गृजति, गहने गहने क्या होता है गने, ठीक है, गने विपिने क्या होता है वन में या जंगल में, व्याघ्रो बाघ, गरजति गरजता है, ठीक है, गरजता है। उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दति, उच्चै होता है जोर से, तत्र वहां सिंह शेर, नर्दन्ति दहाड़ता है। देखो दोबारा से कि घने वन में बाघ है वो गरजता है और वहां शेर ऊंचे जोर से दहाड़ता है। हरिणो अयम खादति नव घासम, हरिणो अयम हिरण खादति खाता है, नव घासम नए नए घास, नए नए घास, सर्वत्र सब जगह चे और, पश्यति देखता है, सविलासम खुशी से सॉरी देखो जो हिरण है उसके बारे में बताया गया है कि हिरण नई नई घास खाता है, हिरणो अयम यह हिरण, ठीक है, यह हिरण नई नई घास खाता है और चारों ओर प्रसन्नता से देखता है, सविलासम विलास या खुशी के साथ चारों ओर देखता है, सर्वत्र सब जगह देखता है। उष्ट्र, उष्ट्र क्या होता है ऊंट,
ऊंट तुंग मंदम गच्छति, तुंगम ऊंचा, ठीक है, मंदम धीरे धीरे, गच्छति चलता है, जो ऊंचा ऊंट है वो कैसा है, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। पृष्ठे प्रचुरम, पृष्ठे क्या होता है, पीठ पर, प्रचुरम बहुत अधिक, भारम भारनी वहती ढोता है, जो ऊंचा ऊंट है वो धीरे धीरे चलता है और पीठ पर अत्यधिक भार ढोता है, ठीक है। उष्ट्र तुंग मंदम गस्ति, पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, जो ऊंचा ऊंट है वो पीठ पर बहुत अधिक भार ढोता है और धीरे धीरे चलता है। इसके बाद है गोटक राजा शिपरम धावती, धावन समय किमपि न खादती। गोटक राजा, गोटक राज घोड़ा, शिपरम शीघ्र, शिपरम का अर्थ क्या होता है, शीघ्र जल्दी, धावती दौड़ता है, धावन समय दौड़ते समय, धावन समय क्या होता है, दौड़ते समय किमपि कुछ भी नहीं, न किमपि न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खादती खाता है, पश्यत, एक बार पहले हम जो श्लोक नौवां श्लोक है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इसमें घोड़े के बारे में बताया गया है, गोटक राजा घोड़ा है वो शिप्रम धावती शीघ्र दौड़ता है, धावन समय किमपि न खादती और दौड़ते समय वो कुछ भी नहीं खाता है। फिर है पश्यत, देखो भल्लुकम एवं करालम, पश्यत देखो, भल्लुकम क्या होता है, भालू को, इमम इस, करालम होता है भयानक, करालम का अर्थ होता है भयानक, नर्तति, नर्तति का अर्थ क्या होता है, नाचता है, तथई कुरु करतालम, तथई करके, करतालम क्या होता है, ताली, कुरु करो या बजाओ। इसमें क्या बताया है, जो भालू है उसके बारे में बताया गया है कि इस भयानक भालू को देखो तथई करके नाचता है और तालियां बजाओ, ठीक है। इसमें हमारी जो प्रकृति है उसके सौंदर्य के बारे में बताया है, जो हमारे पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उनके नाम भी आए हैं, ठीक है। दोबारा से देखो, एक बार पूरे चैप्टर को ही देख लेते हैं, ठीक, देखो श्लोक वाइज अनुवाद बता देती हूँ एक बार इसका, कि जो पहला श्लोक है उसमें क्या बताया गया है कि प्रातः सूर्य निकलता है और पूरी पृथ्वी पर उसका प्रकाश फैल जाता है, इस प्रकार पृथ्वी हंसती है, पक्षी चहचहाते हैं और कमल खिल जाते हैं। उसके बाद है हमारा दूसरा श्लोक, उसमें क्या बताया गया है कि सुबह होते ही मंदिर में नगाड़ा बजता है, घंटियां बजती हैं और नदी में नाव तैरती है। तीसरे श्लोक में क्या बताया गया है कि जैसे ही सुबह होती है भिन्न भिन्न रंगों के फूल खिल जाते हैं, उन पर तितलियां मंडराती हैं। उससे अगले श्लोक में बताया गया है कि सुबह होने पर प्रत्येक पेड़ पर नए नए पत्ते सूर्य के प्रकाश में सुशोभित हो जाते हैं या हो रहे हैं। पांचवें श्लोक में बताया गया है कि सुबह गाय शुद्ध स्वच्छ मीठा और प्यारा दूध देती है। छठे श्लोक में बताया गया है कि सुबह होते ही जंगल में बाघ गरजता है, शेर या सिंह है वो गरजता है, दहाड़ता है। सातवें श्लोक में बताया गया है कि सुबह होने पर हिरण नए नए घास खाता है और चारों ओर खुशी से देखता है। आठवें श्लोक में बताया गया है कि सुबह होने पर ऊंट, जो ऊंचा ऊंट है, आप सभी ने भी देखा होगा ऊंट को, ऊंचा ऊंट है वो धीरे धीरे चलता है और पीठ पर बहुत सारा भार ढोता है। फिर है नौवां श्लोक, उसमें बताया गया है कि
सुबह होने पर घोड़ा तेजी से दौड़ता है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। फिर है 10वां श्लोक, उसमें भालू है, उसके बारे में बताया गया है कि इस डरावने भालू को देखो, यह नाचता है और आप सब लोग तालियां बजाओ। क्रु करतालम क्या होता है? तालियां बजाओ। पश्चात का अर्थ होता है देखना, ठीक है। इस डरावने भालू को देखो और तालियां बजाओ। इसके बाद है शब्दार्थ दिए गए हैं इस चैप्टर के। उदिते, उदिते उगने पर या निकलने पर, सूर्य के निकलने पर या उदय होने पर। नदति, आवाज आती है, ध्वनि करता है। उच्चई, ऊंची आवाज में या जोर से। डक्का, नगाड़ा, क्या होता है डक्का? नगाड़ा। शेलती, डगमगाती है, हिलती डुलती है। डयंते, उड़ते हैं। चित्र पतंगा, तितलिया। वर्णई, रंगों से। विभाति, सुशोभित होता है। स्निग्धम, मुलायम या चिकना। गहने, घने। विस्तृत, विपिले, जंगल में, वन में। नर्दती, दहाड़ता है। तुंग, ऊंचा। निवहती, ढोता है, उठाता है। शिप्रम, जल्दी से या तेजी से या शीघ्र। भल्लुक, भालू। करालम, भयानक। करतालम क्या होता है? तालियां। इसी के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है संस्कृत से संबंधित, तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से संपर्क करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।